सब्सक्राइब कीजिए यमी फूड किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे टेस्टी और क्रीमी शाही पनीर। शाही पनीर की सब्ज़ी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो आइए हम देख लेते हैं शाही पनीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी, दो हरी मिर्ची स्लाइस की हुई, 8 से 10 लहसुन की कलियां, कुछ खड़े मसाले, 5 से 7 काली मिर्ची, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज़पत्ता, 3 से 4 टमाटर कटे हुए, 3 से 4 प्याज कटे हुए, 2 बड़ी चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट्स, 250 ग्राम पनीर, 3/4 कप क्रीम, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 बड़ी चम्मच मक्खन। आइए हम शाही पनीर की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने खड़े मसाले लेंगे। और गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर बटर डालेंगे, और इसमें सभी खड़े मसाले डाल देंगे। इन्हें कुछ सेकंड सोटे करने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, प्याज डालेंगे, लहसुन की कलियां डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, टमाटर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टमाटर के गलने तक इसे पकने देंगे। 4 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसे गैस बंद करेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। और इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनने के बाद हम इसे छान लेंगे। छानने से हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगी। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे और बटर डालेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे, क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे। आप चाहें तो इस टाइम लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी डाल दिया था। पनीर के क्यूब्स डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे,
और हमारे टमाटो और प्याज की प्योरी जो इसे हमने छान लिया था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कसूरी मेथी डालेंगे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। 3 मिनट बाद अब हम इसमें थोड़ी क्रीम डालेंगे। थोड़ी क्रीम हम गार्निशिंग के लिए बचा कर रखेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसे फिर से एक बार चला देंगे और चलाने के बाद हम इसे फिर से कवर करके 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। दो मिनट बाद हमारी पनीर की सब्जी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पनीर भी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। हमारी ये टेस्टी और क्रीमी शाही पनीर बनकर तैयार है। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी ये टेस्टी और क्रीमी शाही पनीर बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।